इलॉन मस्क नेटवर्थ 190 बिलियन डॉलर्स, जेफ बेजोस नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर्स, मुकेश अंबानी पर्सनल नेटवर्थ 110 बिलियन डॉलर्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिसकी पर्सनल नेटवर्थ इन तीनों लोगों की कंबाइंड नेटवर्थ से भी ज्यादा थी, तो क्या आप यकीन करोगे? मैं बात कर रहा हूँ जॉन डी रॉकफेलर की। एक ऐसा आदमी जिसकी पर्सनल नेटवर्थ आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है। जॉन डी रॉकफेलर, एक ऐसा वक्त था जब ये आदमी पूरी अमेरिका की ऑयल सप्लाई का 90% कंट्रोल करता था। यहाँ तक कि उस वक्त पर अमेरिका की सभी ऑयल रिफाइनरीज, रेल रोड्स, गैस पाइपलाइंस, हर एक चीज पर इस आदमी का इतना कंट्रोल था कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ लड़का जिसके पास रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं और पहनने को कपड़े नहीं, आखिर उसने सिर्फ 15 सालों में ऐसा क्या कर दिखाया कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल आदमी बन जाता है। यहाँ तक कि रॉकफेलर एक वक्त पर इतना पावरफुल बन जाता है कि यूएस का प्रेसिडेंट तक उसको अपना दुश्मन डिक्लेयर कर देता है। ऑयल से लेकर मीडिया तक और यहाँ तक कि अमेरिका में अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये सारी चीजें रॉकफेलर के कंट्रोल में थी। पर कैसे रॉकफेलर आखिर इतने कम वक्त में इतना पावरफुल कैसे बन गया? आखिर क्या है वो रॉकफेलर का सच जो किसी को मालूम ही नहीं है? Oil tycoon John D. Rockefeller, the world's first billionaire. His net worth is now over $150 million, or $225 billion today. ये कहानी शुरू होती है साल 1839 में, जब एक किसान परिवार में जॉन डी रॉकफेलर इस आदमी का जन्म होता है। अब फैमिली किसान तो थी मगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, यहाँ तक कि इतनी खराब थी कि उनके पास रहने को ढंग का घर और खाने को रोटी भी नहीं होती थी। अब जैसे हर बच्चे के बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार का ध्यान रखे, उसी तरीके से जॉन के पिता की भी थी। मगर जॉन के पिता मिस्टर विलियम एवरी रॉकफेलर इन सारी चीजों से बहुत दूर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विलियम से चाहे कुछ भी काम करवा लो, एथलेटिक्स, हिप्नोसिस, स्कैम, फ्रॉड, इलीगल चीजें बेचना, कुछ भी, लेकिन उससे बस खेत में काम नहीं होता था। यहाँ तक कि एक बार जॉन के पिता एक कंपटीशन में भालू जीतते हैं और फिर उसी भालू को ट्रेन कर वो लोगों के सामने दिखाते थे ताकि उससे वो पैसे कमा पाए। अब जॉन के पिता उल्टे सीधे काम करके पैसे तो खूब कमा लेते थे, लेकिन जब भी बात जिम्मेदारी उठाने की आती थी तो वो गायब हो जाते थे। और इसी चीज की वजह से जॉन के घर की हालत इतनी खराब हो जाती है कि कई बार तो उसकी माँ और बहन को भूखा सोना पड़ता था। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर ये जॉन के पिता हर बार गायब कहाँ हो जाते थे? तो देखो, दरअसल ये आदमी दो जिंदगियां जीता था। विलियम की एक जिंदगी तो फैमिली वाली थी मगर अपनी दूसरी जिंदगी के अंदर वो एक कॉन आर्टिस्ट थे। अगर हिंदी भाषा में बोलूं तो एक ठग। विलियम रॉकफेलर अलग अलग शहरों में जाके अपना नाम बदलकर डॉक्टर विलियम लेविंगस्टन रख लेते थे, जिसके बाद वो लोगों को फेक टॉनिक और अलग अलग नकलियां दवाइयां बेचा करते थे। पर यहीं से ये पूरी कहानी बदलती है, क्योंकि एक तरफ तो विलियम अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को ठग रहे थे, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जॉन, उसकी माँ और उसकी बहन, ये तीनों लोग घर में भूखे सोया करते थे। जिस चीज को देखकर जॉन को ये एहसास होता है कि अगर उसको अपने परिवार को इस गरीबी से निकालना है तो उसे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए शुरुआती दिनों में जॉन अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी मम्मी का फार्मिंग में हाथ बटाने लगे ताकि फार्मिंग से भी कुछ ज्यादा पैसे आ पाए। और ये करते करते ना जॉन को हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस समझ में आती है, और जब तक वो 10 साल के होते हैं वो अलग अलग तरीके के काम करके पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे परिवार की गाड़ी ट्रैक पर आ रही थी, जॉन भी ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे, लेकिन तभी एक खबर आती है और वो खबर ये थी कि जॉन के पिता मिस्टर विलियम रॉकफेलर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और अरेस्ट किस लिए किया था? क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने के चार्जेस लगाए गए थे। अब भले ही कोर्ट में ये चार्जेस प्रूव नहीं हो पाते मगर बदनामी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जॉन और उसके परिवार को वो शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब वैसे तो इतना सब कुछ करने के बाद एक आम आदमी सुधर जाता है मगर हमारे डॉक्टर साहब नहीं सुधरे। वो जेल से निकलते हैं और एक अलग शहर में जाकर दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके बाद जॉन और उसके परिवार की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो जाती है। एक बात पूछूं आपसे, क्रिप्टो, स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर इन ऑप्शंस, क्या ये सारी चीजें आपको भी एक्साइट करती हैं? क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही कॉमन और डिपेंडेबल सोर्स बन गया है एक साइड इनकम अर्न करने का। पर इन्वेस्ट और ट्रेड करने के लिए आखिर सही प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये कैसे पता लगेगा? तो देखो, इस बारे में जब मैंने अपनी थोड़ी सी रिसर्च करी तो मेरे को कॉइन डेपो मिला, जो कि आपको पैसिव इनकम अर्न करने का एक सिंपल तरीका देता है, और वो भी बिना किसी ट्रेडिंग या फिर मार्केट को वॉच करे। देखो, कॉइन डेपो को जो चीज यूनिक बनाती है वो है उसके हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन इट्स क्रिप्टो सेविंग्स अकाउंट सर्विस, जो कि ये इंश्योर करता है कि आपको अपने क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स के ऊपर 12% से लेकर 24% पर एनम तक का प्रॉफिट मिल सकता है। सिंपल है,
आपका पैसा यहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि और भी ग्रो करेगा। अब यहाँ पे बात ये कि इन सभी मामलों में बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है सिक्योरिटी, तो इसके लिए कॉइन डेपो प्रोवाइड करता है एंटरप्राइज ग्रेड मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, जो आपको देता है द मोस्ट एडवांस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स ऑन द मार्केट विद पार्टनर्स एज गुड एज फायर ब्लॉक्स, जो कि बनाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को 100% इंश्योर्ड विद इजी विड्रॉल्स। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद कॉइन डेपो, आपको बस एक अकाउंट क्रिएट करना है और मेरा ये जो मैंने आपको बोनस कूपन कोड दे रखा है इसको जरूर से यूज कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा $10 का बोनस, वो भी एकदम फ्री में। सो यू कैन हेड स्टार्ट बाय क्लेमिंग कॉइन डेपो का $10 का बोनस। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। जॉन डी रॉकफेलर। कुछ बच्चे ना वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि जिंदगी उनको वक्त से पहले बहुत कुछ दिखा देती है। जॉन को ये समझ में आ गया था कि अब उसको अपने पूरे परिवार का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, इसलिए वो सबको लेकर क्लीवलैंड, जो कि ओहायो में एक जगह है, वहां पर शिफ्ट हो जाता है। वो बहुत कोशिश करते हैं और तब जाकर उनको हिविट एंड टर्टल नाम की एक कंपनी के अंदर एज अ बुक कीपर की जॉब मिलती है। अब सैलरी तो बहुत ही कम थी, मगर वो तब भी बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट वो आगे चलकर 26 सितंबर इस दिन को एक छुट्टी रखते हैं, क्योंकि इस दिन को वो एज अ जॉब डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये वही दिन था जब उनकी पहली जॉब लगी थी। अब काम छोटा था, मगर जॉन को सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि एक बिजनेस आखिर चलता कैसे, किन किन चीजों से एक बिजनेस स्ट्रांग होता है, कंपटीशन से कैसे डील किया जाता है। जॉन को अपने आसपास ही सब कुछ सीखने को मिलता है। उस जमाने में जॉन ने एक वक्त पर $4,000 का चेक पकड़कर ये कहा था कि एक वक्त आएगा जब मैं अपने बॉस से भी ज्यादा कमाऊंगा। जब जॉन ये करता है तो उसके आसपास के लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, मगर किसी को नहीं पता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब जॉन के लिए $4,000 कोई मायने ही नहीं रखेंगे। जॉन ने 50 सेंट से अपना सफर शुरू किया था और अब वो पहुंच चुके थे $50 पर मंथ, जो उस वक्त पर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और जॉन का उस वक्त पर भी एक रूल था कि चाहे वो कितना भी कमाए, वो अपनी अर्निंग का 10% हर महीने चैरिटी में डोनेट करते थे। अब जॉन जिस कंपनी में काम करते थे, आगे चलकर जब उस कंपनी के फाउंडर की डेथ हो जाती है तो जॉन उस कंपनी के अंदर एक सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, और यही वो वक्त था जब उन्होंने इस कंपनी को बैंक्रप्ट होने से भी बचाया। अब जॉन को नौकरी करते हुए कई साल हो गए थे और उसने इन कई सालों के अंदर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, और अब बारी आती है एक बड़ा रिस्क लेने की। इसलिए यहीं से जॉन का जो बिजनेस का सफर था वो शुरू होता है। जब जॉन अकाउंटेंट की पोस्ट काम कर रहे थे तो उस वक्त उनकी मुलाकात मॉरिस क्लार्क नाम के एक आदमी से होती है। मॉरिस एक केमिस्ट था जिसको केमिकल्स और मर्चेंट गुड्स के बिजनेस के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। इसलिए जॉन और मॉरिस ये दोनों लोग $2,000 डालकर क्लार्क एंड रॉकफेलर नाम की अपनी एक कंपनी शुरू करते हैं, और ये जो कंपनी थी ये मर्चेंट गुड्स जैसे कि आटा, दाल, चावल, राइस, इन सारी चीजों के होलसेल में डील करती थी। जब जॉन और मॉरिस ने ये कंपनी शुरू करी थी तो स्टार्ट करने के पहले साल के अंदर ही उन्होंने $4,500,000 का रेवेन्यू कर लिया था, जिसमें से $4,400 का वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, और उसके अगले साल जो वो प्रॉफिट करते हैं वो था $17,000। अब ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बात है 1861 की, जब 10 सेंट के अंदर अंदर पूरे घर का राशन आ जाता था। मगर धीरे धीरे इन दोनों लोगों का वक्त बदलता है और अमेरिका के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाती है। अब जैसे ये वॉर शुरू होती है तो जितने भी मर्चेंट गुड्स थे, यानी कि आटा, दाल, चावल, मीट, इन सभी चीजों के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। अब उस वक्त पर इस चीज से किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन क्लार्क एंड रॉकफेलर की जो कंपनी थी उन्होंने इस चीज का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाया, क्योंकि अब सामान के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और ये लोग जितना ज्यादा सामान बेचेंगे उतना ही ज्यादा ये लोग कमीशन कमा रहे थे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जॉन हर साल अपने बिजनेस को डबल कैसे कर लेता था, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो देखो, इसका सिंपल सा कारण था कि जॉन का जो बिजनेस करने का स्टाइल है वो हमेशा से बहुत ही एग्रेसिव रहा है। वो किसी भी कॉम्पिटिटर को मार्केट में टिकने ही नहीं देता था। और जॉन ये सब कुछ कर कैसे पाता था? बहुत सारे पैसों की मदद से। अब आप सोचोगे कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा था, तो दरअसल जॉन करता ये था कि उसकी कंपनी की जो इन्वेंट्री थी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो वो अपनी इस इन्वेंट्री के नाम पर बैंक से लोन उठा लेता था, और फिर इसी लोन के पैसे का इस्तेमाल करके वो मार्केट में अपने सामान को बहुत ही कम प्राइसेस में बेचता था, जिससे कि कुछ ही वक्त में उसका जितना भी कॉम्पिटिशन है वो मार्केट से बाहर हो जाता था, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे। तो जॉन अकेला मार्केट में प्लेयर बन जाता था जो कि वो सामान को वहां पर बेच रहा है। मगर कुछ ही वक्त में जॉन को ये एहसास हो जाता है कि ये जो मर्चेंट गुड्स का बिजनेस है इसको वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर में उसको इसका बहुत बड़ा स्कोप नहीं दिख रहा था। उन्हें इससे कमीशन तो ठीक ठाक आता था, लेकिन अब उनको तलाश थी एक ऐसे बिजनेस की जो उन्हें इससे भी ज्यादा पैसा कमा कर दे। और आगे चलकर वो बिजनेस बनता है ऑयल। आज की अगर हम बात करें तो हम सभी लोग बिजली से चलने वाली ट्यूबलाइट्स में बैठते हैं,
लेकिन ये बात हो रही है 1860s की। उस वक्त पर ना तो बिजली थी और ना ही ट्यूबलाइट थी। उस जमाने में ना लोग लैंटर्न का इस्तेमाल करते थे अपने घर में रात को रोशनी करने के लिए, और ये जो लैंटर्न होते थे ये केरोसिन से चलते थे। मगर क्योंकि उस वक्त ऑयल की डिस्कवरी बहुत ही कम हुई थी और बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल मिलता था, इसलिए उस वक्त ये चीज भी ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मगर फिर अचानक से उन्हीं दिनों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती है। एडविन ड्रेक इस नाम के बंदे को पेंसिल्वेनिया के अंदर ऑयल डिस्कवर होता है, और वो ऑयल डेरिक एक मशीन होती है उसका इस्तेमाल करके वहां पर ऑयल को निकाल रहा होता है। अब देखो, जो क्रूड ऑयल होता है उसको जब तक प्रोसेस ना किया जाए तब तक उसकी एज सच कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। पर उस वक्त पर एक बंदा था जिसका नाम था सैमुअल एंड्रयूज, जो कि एक इन्वेस्टर ढूंढ रहा था ताकि वो अपनी एक ऑयल रिफाइनरी सेटअप कर पाए। और यहीं पर सैमुअल और जॉन की मुलाकात होती है, क्योंकि जॉन के पास अच्छा खासा पैसा तो था मगर वो तलाश कर रहा था एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उसको बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे। इसलिए जैसे ही सैमुअल जॉन को अपनी ऑयल रिफाइनरी का आइडिया पिच करते हैं तो जॉन तुरंत हाँ कर देते हैं। पर जॉन ने सैमुअल को यहाँ क्यों करी? उस वक्त पर तो रिफाइनरीज और भी लोग सेटअप कर रहे थे। तो देखो, इसका जो मेन कारण था वो था केरोसिन। क्रूड ऑयल से बहुत सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से निकाला जाता है, मगर उस वक्त पर जो केरोसिन था वो इन क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट था जो मार्केट में बिक रहा था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो केरोसिन होता है वो ज्यादा देर तक जलता भी है और ज्यादा लाइट भी एमिट करता है, तो लोगों के लिए उसको लैंटर्न्स के अंदर इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। इसलिए हर कोई उस वक्त पर अपने घर पर केरोसिन लैंप्स का इस्तेमाल कर रहा था। एंड इसी चीज का फ्यूचर पोटेंशियल देखते हुए जॉन सैमुअल को $4,000 का लोन देते हैं ताकि वो अपनी ऑयल रिफाइनरी सेटअप कर पाए। लेकिन ये जो ऑयल का बिजनेस था इसके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और उस दिक्कत का नाम था द लक ड्राइवर्स। जब सारे ऑयल वेल्स खाली हो जाते थे तो एक क्रूड ऑयल बैरल का जो प्राइस था वो $14 तक पहुंच जाता था, लेकिन जब सारे लोग ड्रिलिंग कर रहे होते थे और सभी ऑयल वेल्स में बहुत सारा ऑयल होता था तो ये जो प्राइस था वो नीचे गिर के सिर्फ 40 सेंट्स पर ऑयल बैरल पे पहुंच जाता था। और इसी वजह से जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी वो ये कि जो केरोसिन के प्राइसेस होते थे वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करते थे। तो आखिर मार्केट में ये केरोसिन किस प्राइस पर बिकेगा उसके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं था। इसलिए कुछ के बाद जो जॉन के पुराने पार्टनर थे मॉरिस, वो अपना पूरा का पूरा स्टेक इस ऑयल रिफाइनरी में जॉन को बेच देते हैं। अब जब ऐसा होता है तो जॉन को जरूरत थी अपनी इस कंपनी को एक नया नाम देने की, और वो इस कंपनी का नाम रखते हैं स्टैंडर्ड ऑयल। अब जब जॉन अपनी इस कंपनी को स्टैंडर्ड ऑयल के नाम से रीब्रांड कर रहे थे तो उस वक्त पर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम था हेनरी फ्लैगलर। अब ये जो हेनरी था इसके अंदर एक खास बात थी कि वैसे तो वो जॉन की तरह ही डिसिप्लिन और हार्डवर्किंग था, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो वो बिजनेस को एक वॉर की तरह देखता था जिसके अंदर जीतने का एक ही तरीका है कि दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म कर दो। अब इस तेल के बिजनेस में इतने वक्त तक काम करने के बाद जॉन और हेनरी फ्लैगलर इन दोनों को ये समझ में आता है कि जो तेल स्टैंडर्ड ऑयल बना रही है वैसा ही सेम केरोसिन तो मार्केट में बाकी कंपनीज भी बेच रही हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस मार्केट पे हम लोग तभी राज कर सकते हैं जब हम कंपटीशन को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। और यहीं से जो जॉन की जिंदगी है वो एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब देखो, चाहे आप जमीन से कितना भी ऑयल निकाल लो लेकिन उसका तब तक कोई फायदा नहीं है जब आप उसको रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन करके अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट करके कस्टमर्स तक ना पहुंचा दो। और 1800s ये जो जमाना था उस वक्त पर ट्रांसपोर्ट का मतलब था ट्रेन, क्योंकि उस वक्त पर ना ऑयल और स्टील जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का ट्रेन से ज्यादा सस्ता और फास्ट तरीका कोई और था ही नहीं। मतलब कि यहाँ पर मोटी मोटी कहानी ये थी कि आने वाले वक्त में जिसने भी ट्रेन के ऊपर कब्जा जमा लिया वो पूरी ऑयल इंडस्ट्री को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि जो ऑयल है वो ट्रांसपोर्ट तो ट्रेन से ही होता है। अब उस वक्त पर ना जो अमेरिका का पूरा रेल नेटवर्क था उसको ये तीन बड़ी कंपनी चलाती थी। पहली कंपनी थी न्यूयॉर्क सेंट्रल, दूसरी कंपनी थी एरी रेल रोड, और जो तीसरी और इनमें से सबसे पावरफुल कंपनी थी वो थी पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी। मगर जब जॉन ये सारा कुछ हेनरी के साथ मिलकर चला रहे थे तो उस वक्त पर एक न्यूज आती है। वो न्यूज ये थी कि जो पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी है वो क्लीवलैंड के अंदर अपने ऑपरेशंस बंद करने जा रही है। अब देखो, ये वो वक्त था जब क्लीवलैंड ऑयल ड्रिलिंग का सबसे बड़ा हब हुआ करता था, मगर इसके बावजूद भी क्योंकि अब क्लीवलैंड से पेंसिल्वेनिया रेलरोड अपने ऑपरेशंस बंद करके जा रही थी तो कई सारी जो नई रिफाइनरी सेटअप होने वाली थी वो क्लीवलैंड में अपनी रिफाइनरी सेटअप नहीं करते हैं। मगर जब ये सब होता है तो इसका सबसे बड़ा झटका लगता है बाकी दो रेलरोड कंपनीज को, जो कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और एरी रेलरोड थे, क्योंकि वो लोग तो अभी भी क्लीवलैंड में काम कर रहे थे मगर क्लीवलैंड के अंदर जो बाकी रिफाइनरीज थी अब वो शट डाउन हो रही थी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी रेलरोड कंपनी शहर छोड़कर जा चुकी थी। पर यहीं पर ना जॉन एक बहुत बड़ा मूव खेलते हैं। वो एरी रेलरोड और
और न्यूयॉर्क सेंट्रल इन दोनों कंपनीज के साथ अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन डील है उसको रीनेगोशिएट करवाते हैं। रॉकफेलर कहते हैं कि वो अपना सारा का सारा माल इन दोनों कंपनीज के थ्रू ही भेजाएंगे, यहाँ तक कि जो वो माल अभी तक भेजते थे वो उससे भी ज्यादा माल इन दोनों कंपनीज के थ्रू भिजवाएंगे, लेकिन इसके बदले में उनको अपनी पूरी ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट के ऊपर 75% का डिस्काउंट चाहिए। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ना चाहते हुए भी इरी रेलरोड्स और न्यूयॉर्क सेंट्रल इन दोनों कंपनीज को क्लीवलैंड के अंदर सर्वाइव करने के लिए जॉन डी रॉकफेलर की ये कंडीशन माननी पड़ती है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज को बिजनेस की सख्त जरूरत थी और जॉन डी रॉकफेलर से ज्यादा बिजनेस उन्हें कोई भी और प्लेयर मार्केट में दे ही नहीं सकता था। जो न्यूयॉर्क सेंट्रल था वो जॉन डी रॉकफेलर के जो ऑयल बैरल्स थे उनको $1.65 पर ऑयल बैरल पर शिप करते थे, जबकि वो बाकी सारे के सारे ऑयल शिपमेंट्स के लिए $2.65 चार्ज करते थे बाकी प्लेयर्स से। अब इसी की वजह से जो जॉन को सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये कि जो क्रूड ऑयल उनकी रिफाइनरीज तक इन ऑयल रिग से आना होता है उन सारी शिपमेंट्स के ऊपर उनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, तो उनके लिए जो ये ऑयल है क्रूड ऑयल उसका प्राइस बहुत कम हो गया है। और जाहिर सी बात है कि जब उनको क्रूड ऑयल का प्राइस कम पड़ता है तो वो मार्केट के अंदर जो उनका केरोसिन बिकता है उसको भी कम प्राइस पर बेच सकते थे, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो गई, जिसकी वजह से जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे वो उनकी कंपनी के साथ कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अब जो जॉन के पास एडवांटेज थी वो पूरी मार्केट में किसी भी और कॉम्पिटिटर के पास नहीं थी। और यही वो जगह है जहां पर शुरू होती है इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की प्राइस वॉर। अब जो क्रूड ऑयल था वो जॉन की कंपनी को सबसे सस्ता पड़ता था, तो उसकी कंपनी जो केरोसिन बनाकर मार्केट में बेचती थी उसके प्राइसेस भी वो सबसे ज्यादा कम रखते थे। इनफैक्ट धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है जब जॉन की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल अपने केरोसिन के प्राइसेस इतने कम कर देती है कि कोई भी और दूसरी कंपनी उनके इन प्राइसेस से कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से या तो वो कंपनी बंद हो जाती थी या फिर इतने लॉस में चली जाती थी कि उस कंपनी के पास अपने एसेट्स को बेचने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता था। और मार्केट में इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर जॉन डी रॉकफेलर जितनी भी कंपनीज जो बर्बाद हो रही थी उन सबको बहुत ही सस्ते रेट में खरीद के अपने स्टैंडर्ड ऑयल के एम्पायर के अंडर जोड़ लेता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है। ये सारा कुछ करते करते जॉन डी रॉकफेलर ने ऑयल के प्राइसेस इतने कम कर दिए थे कि अब ये जो ऑयल की पूरी मार्केट थी यही कोलैप्स होने वाली थी। और अगर बाई चांस ऐसा हो जाता तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता वो जॉन डी रॉकफेलर की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को ही होता। इसलिए अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो पेंसिल्वेनिया रेलरोड के जो चेयरमैन थे मिस्टर टॉम स्कॉट उनसे एक मीटिंग करने पहुंचते हैं। अब ये जो मीटिंग थी इसके अंदर जॉन डी रॉकफेलर, वैंडरबिल्ट, टॉम स्कॉट और उनका चाइल्डहुड प्रोडिजी मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी, ये सारे लोग मिलकर एक रेलवे डील को रीनेगोशिएट करते हैं। रॉकफेलर का ये कहना था कि उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल, पेंसिल्वेनिया रेलरोड्स, इरी रेलरोड्स और न्यूयॉर्क सेंट्रल ये सारे लोगों को मिलकर आपस में एक अलायंस बना लेनी चाहिए। अब ये जो अलायंस बनती है इसके अंदर एक डील सेट होती है कि जॉन की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ये जो तीन रेलरोड कंपनीज हैं इन्हीं के थ्रू अपना ऑयल सप्लाई करा करेगी, जिसके बदले में ये तीनों रेलरोड कंपनीज जॉन की कंपनी को 50% डिस्काउंट देंगे उनके शिपमेंट कॉस्ट के ऊपर। लेकिन इसी डील का एक और हिस्सा भी था, और वो हिस्सा ये था कि ये तीनों कंपनीज जो जॉन के कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जॉन की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल के साथ शेयर भी करा करेगी। पर यहाँ पर एक और ट्विस्ट भी है कि जॉन जो थे वो अपने कॉम्पिटिशन को जड़ से खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसी डील के अंदर एक और कंडीशन रख दी। और वो कंडीशन ये थी कि अगर इन तीनों में से कोई भी कंपनी उसके किसी भी कॉम्पिटिटर का माल शिप करती है तो इन कंपनीज को उसका 50% भी जॉन की कंपनी को देना पड़ेगा। तो मतलब अगर इन तीन कंपनीज के थ्रू कोई और अपना माल शिप भी करवाता है तो इनडायरेक्टली उससे भी जॉन को प्रॉफिट हो रहा था। मगर दिक्कत ये होती है कि धीरे धीरे जब ये बात बाकी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को पता लगती है तो रेलवेज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, और कुछ ही वक्त में ये सारे प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इन रेलरोड कंपनीज को इस पूरी डील को ही कैंसिल करना पड़ता है। उस वक्त पर पूरे क्लीवलैंड के अंदर टोटल 26 ऑयल रिफाइनरीज थी, जिसमें से जॉन ने 22 ऑयल रिफाइनरीज को कंगाल करके अपने स्टैंडर्ड ऑयल के अंदर जोड़ लिया था। अब यहाँ पर जॉन के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज का कंट्रोल भी था और सबसे पावरफुल मैन पावर भी थी, एंड इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके वो अपनी सारी की सारी ऑयल रिफाइनरीज की टेक्नोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम से कम रह पाए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। और ये सब कुछ इतना एग्रेसिवली किया जाता है कि सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर स्टैंडर्ड ऑयल पूरे साल के 1 मिलियन बैरल ऑयल से भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा था। मगर एक सेकंड, आखिर इतने कम वक्त के अंदर ये सब कुछ हुआ कैसे? तो देखो, दरअसल ये सारा कुछ पॉसिबल होता है जॉन डी रॉकफेलर की एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रेटजीज के चलते। जैसे सबसे पहले तो जॉन ने जितनी भी रिफाइनरीज थी और जितने भी ऑयल बैरल्स थे इन सारी चीजों को बहुत ही सस्ते रेट पर खरीद कर स्टोर कर लिया, जिससे हुआ ये कि अगर कोई गलती से ऑयल निकाल भी लेता है तो उसके पास ना तो रिफाइनिंग की कोई पॉसिबिलिटी है और ना ही उसको स्टोर करने की कोई जगह है। फिर यहीं पर
दूसरी चीज, मान लो अगर कोई ऑयल निकालकर उसे रिफाइन करके स्टोर भी कर लेता है, तो क्योंकि रेलरोड्स को भी जॉन डी रॉकफेलर ही कंट्रोल कर रहा था, तो वो चाहकर भी उस पूरे ऑयल को ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकता। प्लस जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन रॉकफेलर को इन तीन कंपनी से मिलती थी, वो उसका इस्तेमाल करके अपने केरोसिन के प्राइसेस इतने कम कर देता था कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में, वो रॉकफेलर से कम्पीट ही नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि स्टैंडर्ड ऑयल को लोग ऑक्टोपस कहने लगे थे। पर यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आता है। अब एक तरफ तो जॉन अपने बिजनेस को बहुत ही स्पीड से एक्सपैंड कर रहे थे, मगर वहीं पर दूसरी तरफ 18 सितंबर 1873 को बहुत सारे यूएस बैंक्स एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। और ये जो दिन था ना, इसको आज भी लोग हिस्ट्री में ब्लैक थर्सडे के नाम से जानते हैं। अब जब ये सब कुछ होता है, तो दिक्कत ये आती है कि इन बैंक्स के कोलैप्स होने की वजह से ऑयल के प्राइसेस भी कोलैप्स कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास ऑयल खरीदने के पैसे ही नहीं थे। तो अभी तक जो मार्केट के अंदर ऑयल के प्राइसेस आसमान छू रहे थे, वो एकदम से जमीन पर आ जाते हैं। प्राइसेस इतने नीचे आ जाते हैं कि जहाँ पर एक बैरल वाटर की कीमत 50 सेंट हुआ करती थी, वहीं पर एक बैरल ऑयल बिकता था सिर्फ 40 सेंट के अंदर। मतलब कि पानी से भी सस्ता तेल बिक रहा था। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, तो इसके बीच में भी जॉन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अभी तक जॉन क्लीवलैंड ओहायो के अंदर जितनी भी रिफाइनरीज थी, उनको तो कंट्रोल कर ही रहे थे, मगर इस बैंक कोलैप्स की वजह से जो बाकी शहर है, जैसे कि पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, इन सारे शहरों के अंदर भी जो ऑयल रिफाइनर्स थे, उन सबकी हालत बहुत टाइट हो गई थी। इसलिए जॉन इस मौके का फायदा उठाकर फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, ये जितने भी बाकी के शहरों के अंदर रिफाइनरीज थी, इन सारे के सारे रिफाइनरीज को कौड़ियों के दाम पर खरीद लेते हैं। मगर मार्केट में इतना सब कुछ करने के बाद भी ऑयल और भी तरीके ढूंढ रहा था जिससे कि वो अपने कॉस्ट को कम कर पाए और प्रॉफिट्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और ऐसा करने के लिए अब जॉन ने रेलरोड्स की बजाय अलग अलग शहरों में पाइपलाइंस तक सेटअप करनी शुरू कर दी, ताकि अब जितनी भी ऑयल रिग्स हैं, जहां पर ये सारा का सारा ऑयल ड्रिल होता है, वहां से ये सारा का सारा क्रूड ऑयल उसकी रिफाइनरीज तक पाइपलाइन के थ्रू आ जाए। और जैसे ये ऑयल उसकी रिफाइनरी में पहुंचे, तो इस ऑयल को रिफाइन करके जो केरोसिन बनता है, वो उसको तुरंत पैक करके कस्टमर्स तक पहुंचा दें। जिससे कि जॉन को एक और फायदा होता है कि अभी तक जो उनकी रेलरोड्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी, अब वो सारी डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है और उनकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन अब जो वक्त था, वो बहुत तेजी से बदल रहा था, और ये जो ऑयल की इंडस्ट्री थी, इसके अंदर भी अब काफी चेंजेस आने वाले थे। जैसे कि जो सबसे पहला चेंज आता है, वो था लाइट बल्ब का इन्वेंशन। एडिसन ने लाइट का बल्ब इन्वेंट करके जो लोगों की केरोसिन लैंप्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी, वो पूरी डिपेंडेंसी ही खत्म कर दी। इसलिए पहले जो मार्केट के अंदर केरोसिन की डिमांड ऑल टाइम हाई पर थी, वो अब नीचे आने लगी थी। फिर जो दूसरा चेंज आता है, वो ये कि नॉर्दर्न ओहायो के अंदर अब बहुत सारा ऑयल मिलने लगा था, जिसकी वजह से जो ऑयल की सप्लाई थी, वो मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, मगर उसकी डिमांड नहीं बढ़ती, तो उसके जो प्राइसेस हैं, वो नीचे आने शुरू हो जाते हैं। और केरोसिन के साथ भी ये सेम चीज होती है। पर जब भी ऑयल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो जॉन डी रॉकफेलर उसके अंदर हमेशा एक अपॉर्चुनिटी खोजते थे, और इस वक्त भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो स्टैंडर्ड ऑयल है, वो अभी तक तो सारी रिफाइनरीज को कंट्रोल कर ही रहा था, पर जैसे ही ऑयल मार्केट में कंडीशंस बदलती है, तो स्टैंडर्ड ऑयल वर्टिकल इंटीग्रेशन करना शुरू करता है। मतलब कि अब सिर्फ रिफाइनरीज नहीं, बल्कि ऑयल रिग्स, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और यहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज के अंदर स्टैंडर्ड ऑयल अपना हाथ जमा रहा था। अब अमेरिका में इस वक्त पर ना एक और चीज बदलती है कि जितने भी जो अमीर लोग थे, वो सारे के सारे लोग कार से ट्रैवल करने लगे थे। मगर उस वक्त पर अमेरिका में जितनी भी कार चलती थी, ये सारी कार चलती थी गैसोलीन से। दरअसल जब आप क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसमें से केरोसिन निकालते हो, तो गैसोलीन एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकलता है। और सिंपल सी बात है कि जितनी भी स्टैंडर्ड ऑयल की रिफाइनरीज थी, वहां पर तो सबसे ज्यादा केरोसिन निकलता था, तो अब जो गैसोलीन था, उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड ऑयल ने अपना कंट्रोल जमा लिया। अब रॉकफेलर की जिंदगी में ये वो पॉइंट आ चुका था कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। वो इस वक्त पर अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, और अब उनका काम था कि वो अपनी इस वेल्थ को मेंटेन करके रख पाए। और उनकी लाइफ के इसी मोमेंट में उनकी मुलाकात एक चर्च प्रीस्ट से होती है, जिसका नाम था फ्रेडरिक गेट्स। अब जॉन गेट्स को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो इस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करे, ताकि आगे चलकर ये पैसा और भी ज्यादा ग्रो करे। जिसको ध्यान में रखते हुए अब गेट्स जॉन का पैसा अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने लगते हैं, ताकि आगे चलकर अगर ऑयल इंडस्ट्री में कोई चेंज भी आता है, तब भी रॉकफेलर की जो वेल्थ है, उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। जैसे कि एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने रॉकफेलर के लिए करी थी, वो ये था कि उन्होंने मिसाबी माउंटेन रेंज को खरीद लिया। ये दरअसल एक 120 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज थी, जहां पर अमेरिका में मिलने वाले सबसे हाई क्वालिटी के आयरन ओर्स थे। अब ये इन्वेस्टमेंट इतनी वैल्यूएबल इसलिए थी क्योंकि जो आयरन ओर है, वो उस वक्त पर और यहां तक कि आज भी एक बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और उस प्रोडक्ट का नाम है स्टील।
स्टील बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा एसेंशियल रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है आयरन ओर। अब जॉन के पास स्टैंडर्ड ऑयल का 30% शेयर था। यहाँ तक कि जो कार की इंडस्ट्री थी वो भी बहुत स्पीड से बूम कर रही थी, जिस वजह से आने वाले टाइम में जो उनकी कंपनी के प्रॉफिट्स थे वो एकदम दुगने हो चुके थे। और फ्रेडरिक गेट्स, जिन्होंने उनका पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया था, उन्होंने भी उनको खूब पैसे कमा कर दिए। अब ये सारा कुछ चल ही रहा था कि जॉन की जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है, और उस मुसीबत का नाम था यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और एक जर्नलिस्ट ईडा टार्बेल। दरअसल ईडा टार्बेल के जो फादर थे वो एक ऑयल रिफाइनर थे जो कि जॉन की वजह से बैंक्रप्ट हो जाते हैं, और क्योंकि इस सबके बाद उनके पास कोई चारा नहीं बचा था तो उन्होंने अपनी जान ले ली थी। इसलिए ईडा अपने फादर का बदला लेने के लिए जॉन के अगेंस्ट हर एक न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स और बहुत सारी ऐसी चीजें डालती थी जिससे कि वो उनके सीक्रेट्स दुनिया के सामने ला पाए। उसके हर एक आर्टिकल के अंदर जॉन की कंपनी के सीक्रेट अलायंसेस, शेडी डील्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस को रिश्वत देना, ये सारी चीजें एक्सपोज की जाती थी। अब जहां पर ईडा अपने आर्टिकल्स के थ्रू जॉन के पीछे पड़ी हुई थी, वहीं पर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जॉन के अगेंस्ट एक अलग ही खेल खेल रहे थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड ऑयल के ऊपर मोनोपोलाइजेशन, प्रेडेटरी प्राइसिंग, सीक्रेट ओनरशिप, ऐसे कई सारे एलिगेशंस लगवाते हैं। एंड फाइनली 15th May 1911 को जाकर ये सारे के सारे एलिगेशंस सच साबित होते हैं, जिसके बाद फेडरल कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि स्टैंडर्ड ऑयल को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और इस एक सिंगल कंपनी को तोड़कर कई सारी छोटी छोटी कंपनीज बनाई जाएंगी, ताकि ये जितना भी कुछ ऑयल इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है ये सब कुछ आगे फ्यूचर में जाकर रिपीट ना हो। मगर यूएस गवर्नमेंट का ये मूव दरअसल जॉन के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जॉन डी रॉकफेलर के पास स्टैंडर्ड ऑयल का 30% शेयर था, तो जब स्टैंडर्ड ऑयल को डिसॉल्व किया गया तो 34 अलग अलग कंपनीज बनती है और जॉन को इन सारी कंपनीज के अंदर अपने स्टेक्स मिल जाते हैं। एंड आगे चलकर जब ये कंपनी साइज में बड़े होने लगती है और स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है तो जॉन का जो शेयर था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तरीके से मल्टीप्लाई कर जाती है, और ऐसा होने के बाद जॉन पहले से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। पर इन सारी चीजों के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, जॉन ने ये जितना भी कुछ किया क्या ये सब कुछ करना सही था? क्योंकि आज अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे कई बिजनेस ग्रुप्स हैं जो कि ये सेम चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस लेवल पर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये चीज एक बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है। अब ये क्यों और कैसे हो पा रहा है, अगर आप भी इस बात को जानना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो देख लेना।